अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। इतना कुछ होने के बावजूद भी तेज ने हाँ में वोट डाला। मेरा भाई होने के बावजूद उसने अपनी पत्नी का साथ दिया। जल्दी प्राचीन, हाँ हल्दी निकाल, डिब्बे में खत्म हो गई। ज्ञान जल्दी ढूंढ। अरे कोई फोन करके पूछे ना उससे कहाँ रखा है हल्दी का डिब्बा। हेलो अभी आपने वो हल्दी का डिब्बा कहाँ रखा था? सबसे ऊपर वाले शेल्फ पे जो डब्बे पड़े हैं ना उसमें पड़ी है। मिल गया डिब्बा। जो चाहिए था वो मिल गया, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं। थैंक यू बोल के फोन रख दे बस। अरे भैया आप इधर आइए, दाल में सब कुछ डाल दिया, सिर्फ हिलाना है, मैं आटा गूंद देता हूँ। हटिए हटिए। आज बहुत थकान हो गई। बहुत दिनों बाद इतना सारा काम जो किया। तुष्टी अकेले इतना सारा काम करती थी। हाँ, वो भी बिना किसी शिकायत के। ए, इधर देखना, दाल में कुछ कम लग रहा है। अरे क्या बोल ना, तू तो एकदम ही चुप हो गया। इसमें तो नमक ही नहीं है लगता है। मैं ही डालना भूल गया। चलो कितना नमक पड़ेगा इसमें? ज्ञान। हाँ भैया। नमक। नमक। हाँ हाँ लगा रहा हूँ। हेलो हेलो भाभी, वो दाल में नमक कितना डाला है? ऐसा कर, दाल को दो हिस्से में डिवाइड कर। दाल को पहले दो पतीलों में बांट लो। एक हिस्से को छोटे पतीले में डाल और एक हिस्से को बड़े पतीले में डाल। एक छोटी और एक बड़ी। अब छोटे पतीले में नमक कम डालना, वो दादाजी और पिताजी की दाल है। ठीक है मम्मा। मम्मा तू क्या गाइड बनी बैठी है यहाँ पर? उन्हें अगर जरूरत होगी ना किसी चीज की तो खुद ढूंढ लेंगे और खुद मैनेज कर लेंगे, समझी? आगे बोल। भैया वो आंटी ने फोन काट दिया। तेज, ये धुला हुआ कुर्ता क्यों धो रहा है? जी ये कुर्ता धुला हुआ है मुझे, मैं दोबारा धुल गया, सॉरी। मानो और कपड़े धुल जाए तो अच्छा होता है, मैल जम जाती है तो बहुत तकलीफ होती है। पिताजी, दादाजी, खाना बन गया। खाना एक मिनट, मेरी वो हल्के हरे रंग की कमीज किसी ने देखी है? अरे सुबह से कुछ नहीं मिल रहा है जगह पर। ज्ञान जरा टोस्टी को फोन करके पूछ।
नहीं, मैं 6 बार फोन कर चुका हूँ भाभी को। प्राचीन फोन कर। नहीं नहीं मैं नहीं, मैं पहले भी भाभी के घर से चाबियां लेके आया हूँ। वेद तू लगा फोन, मैं बात करता हूँ। घर तो ऐसे रहो जैसे पता नहीं क्या हुआ है। भैया घंटी जा रही है। बात करेगा वो। हेलो। हेलो, मैं पशुपतिनाथ बोल रहा हूँ। तो तोसी से बात करनी। जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। तो आप अपनी बेटी से पूछिए जरा कि पिताजी की वो हल्के हरे रंग वाली कमीज कहाँ रख के गई है। वो क्यों खामखा कपड़ों के लिए परेशान हो रहे हैं आप लोग? आप जैसे लोगों को कपड़े पहनने की क्या जरूरत है? मतलब? मतलब ये कि कपड़े वो लोग पहनते हैं जिन्हें दो आंख की शर्म होती है। देखिए आप। देखिए नहीं सुनिए। और कान खोल कर सुनिए पशुपतिनाथ, बार बार इस घर में फोन करके हमें परेशान करना बंद कीजिए, समझे? अब दूसरी कोई कमीज पहन लीजिए। ऐसा कहा उसने? तब आप भी बाल की खाल निकाले बगैर मानेंगे नहीं ना? खाना खाने के बाद दूसरी शर्ट निकाल के प्रेस करके दे देना इनको। चलो खाना खाओ, सब समझाना पड़ता है मतलब भी। आओ वेद। क्या? हाँ? चल भाई, चल भाई, खाते समेट, दुकान पहुंचने में देर हो रही। चल, और वो पासबुक ले लिया? हाँ, वो 2 दिन से एंट्री नहीं हो उसमें। वो इससे पहले कि हिटलर हमें दुकान से वापस भेज दे, हमको पहुंचना पड़ेगा, वो काम करवाना पड़ेगा। चल चल चल। बड़े भैया आप अगर चाहें तो मेरे साथ मोटरसाइकिल पे चले आइए, हम बैंक होते हुए दुकान चले जाएंगे। वेद इसे कह दे कि मुझसे दूर रहे, मैं इसे बात तक नहीं करना चाहता। भैया मैंने क्या किया? जिस इंसान को अपने परिवार, अपने भाइयों से ज्यादा अपनी पत्नी प्यारी है तो रहे प्यारी, बस मुझसे दूर रहो। मुझे लगता है आप टोस्टी का गुस्सा तेज पे निकाल रहे हैं। मतलब? मतलब ये भैया कि इस पूरी बात में तेज का क्या कसूर है? तो बेचारा वैसे ही अंदर से एकदम टूट गया है, ऐसे में हमें उसे हिम्मत देनी चाहिए, उसके लिए कुछ करना चाहिए। भैया क्यों क्यों करना चाहिए? उसने क्या किया हमारे लिए? नहीं ऐसा नहीं है बेटा, वो बेचारा तो बहू लाया था इस घर के लिए, मुसीबत तो हमने खड़ी कर दी उसके लिए, और उसने तुम्हारे लिए जो कुछ किया है वो तो तुम सोच भी नहीं सकते। क्या 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 किया उसने? आज तेरे दिल में जिस बात के लिए खुशी है कि टोस्टी घर छोड़ के चली गई, उस टोस्टी को घर से निकालने के लिए चौथी ना उसने लिखी थी। तेज ने टोस्टी को वोट नहीं दिया। मतलब कि उसने साबित कर दिया कि वो अपनी पत्नी से ज्यादा तुझे प्यार करता है, तुझे उससे ज्यादा मान देता है। अगर तेज ने हां में वोट नहीं डाला तो फिर वो तीसरी हां किसकी थी? नहीं, ज्ञान का वोट समझ में आता है, टोस्टी का वोट भी समझ में आता है, और प्राचीन ने कसम खा के कहा है कि उसने हां में वोट नहीं दिया। दादाजी अब आप अकेले बचते हैं, वो तीसरी हां आप ही की हो सकती। बोलिए ना दादाजी, आपने हां में वोट डाला था? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप सब कुछ भूल गए?
नहीं बेटा, कुछ नहीं भूला मैं, कुछ नहीं, एक एक पल याद है, और वो सब याद है इसीलिए टोस्टी के लिए मैं हां नहीं लिख पाया। 5 साल पहले इस घर की बहू को रोकने की वजह से जो सजा मिली वो मैं आज तक भुगत रहा हूं। लेकिन मुझे ये भी याद है कि इस घर की और एक बहू मेरे लिए आयुर्वेदिक सेंटर में कड़ी धूप में घंटों तक खड़ी रहती थी, और ऐसा कई बार किया। ये सब याद है इसलिए मैं उसके खिलाफ ना भी नहीं लिख पाया। मतलब वो कोरी पर्ची आपने डाली थी? हाँ, वो कोरी पर्ची मैंने डाली थी। इस सवाल का कोई कैसे जवाब दे कि आपकी दो आंखों में से कौन सी आंख आपको ज्यादा प्यारी है? मैं जितना टोस्टी को जानता हूं वो कोई गलत काम कर ही नहीं सकती, लेकिन तेरी नजर से देखा तो तेरी बात भी मुझे गलत नहीं लगी। मैंने जितना उसका प्यार देखा है उतना ही तुझे हुआ दर्द भी महसूस किया है। फैसला देने के लिए एक का सही होना और एक का गलत होना जरूरी है, लेकिन अगर दोनों गलत हो या दोनों सही हो तो कोई कैसे फैसला सुनाए? इसीलिए मैंने कोरी पर्ची डाली थी। इस घर की किस्मत पे रोऊं या हंसूं वही मैं समझ नहीं रहा। मालती को हम रोकना चाहते थे फिर भी वो घर छोड़कर चली गई, और टोस्टी इस घर में रुकना चाहती थी फिर भी हमने उसे घर से निकाल दिया। दोनों सूरतों में नुकसान तो चतुर्वेदी परिवार का ही हुआ। तेज ने हाँ में वोट नहीं दिया, प्राचीन कसम खा रहा है कि उसने ना लिखा था। दादाजी ने चिट्ठी कोरी छोड़ी, फिर तीसरा हाँ में वोट किसने दिया? क्या बार तेज की शादी के वक्त ऐन वक्त पर इन्होंने ही अपना इरादा बदला था? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी इन्होंने ही? नहीं भी, पिताजी ने मुझे बात बताओ, मैं जब भी नीचे आता हूं तब आप दोनों में से किसी न किसी को गहरी सोच में डूबा हुआ या खड़ा हुआ क्यों पाता हूं? दुकान नहीं चलना क्या किसी को? वेद, इनसे कह दे कि हमें आदत सी पड़ गई है, जब तक दुकान नहीं चलना क्या ये अमृतवाणी हमारे कानों में नहीं घुलती, हमारे कदम नहीं हिलते। तो वेद, इसे कहे कि अब तो सुन लिया ना, तो अब कहे अपने पाओ को कि चले। ला भैया, चल चल। भैया आप चलिए, मैं मंदिर होके आता हूं। मंदिर जा ही रहे तो अपने भगवान जी से पूछना, शायद उन्हें पता हो ये तीसरा वोट हां में किसने दिया था। Thank you.
मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया। तुम सलमान खान के लिए बन जाते। अच्छा उससे क्या होगा टोस्टी? ना रहेगी शर्ट, ना रहेगा टूटा हुआ बटन। ये अच्छा आइडिया। क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ? तुम्हारे दिए हुए आइडिया पर तो अमल कर रहा हूँ। क्या कर? पागल हो क्या? तुम लॉस्ट इट? आर यू क्रेजी? नो, आई एम नॉट क्रेजी, I'm serious. और तुम देखना चाहती हो मैं कितना सीरियस हूँ? तो ये देखो। बैठ जाओ, तुम पागल हो गए? बैठो, बैठ जाओ। मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो करूंगा और मैं गाना भी गाऊंगा। बैठ जाओ। सॉरी। तुम पागल हो? सबके सामने खड़े होके बस शुरू हो जाओ। सबके सामने क्या टोस्टी? तुम्हारे लिए तो मैं भगवान के सामने भी खड़ा हो सकता हूँ। सच अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं है। लेकिन क्या करें, मुझे तुम्हारी परवाह है। काश कि ये पल यहीं रुक जाए और तुम यहीं मेरे पास बैठे रहो और हम दोनों एक दूसरे से कभी छुटा ना। मैं और तुम कभी अलग हो ही नहीं सकते क्योंकि हमारे प्यार की बुनियाद ये सुई धागा है। तुम्हारे जरिए मैंने तेज से रिश्ते का धागा जोड़ा था। पता नहीं था कि ये धागा इतना कमजोर निकलेगा। आपसे बहुत नाराज हूं भगवान जी। बाकी सबका तो ठीक लेकिन आपने भी टोस्टी का साथ छोड़ दिया। लगता पहले ऐसा लगता था कि आपके भेजे हुए कुछ लोग हैं जो उसका ख्याल रखेंगे उस घर में, लेकिन ना उन्होंने ख्याल रखा ना आपने। मैं कह देती हूं आपसे, अगर आपने टोस्टी की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं किया ना तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी आपसे बात करने। आप यहां प्रार्थना करने आए तो भगवान से यही प्रार्थना करना कि भगवान हमें अच्छे और बुरे की परख दे, है ना? सही और गलत का ज्ञान दे, या फिर यही प्रार्थना करना कि भगवान हमें फिर से इंसान बना दे। अच्छा भाई निकल रहा हूँ मैं। चल डिंपल मैं तुझे कॉलेज छोड़ देता हूँ। नहीं पापा आज कॉलेज नहीं जाना। अरे आज तेरी वोकेशनल गाइडेंस की क्लास नहीं है? हाँ है लेकिन आज मैं दीदी के साथ रहना चाहती हूँ। क्यों? वो अकेली महसूस करेगी ना पापा। बेटा यही गलती करते हैं हम, वो अकेली ना पड़ जाए बार बार बोल के हर वक्त उसके सर पे मंडराते रहते हैं। बेटा हर वक्त उसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, उसे अपने लिए भी थोड़ा वक्त निकाल ले, थोड़ी सांस लेने दो उसे। उसे तो सांस लेने देंगे ही हम,
लेकिन मैं तब तक चैन की सांस नहीं लूंगी जब तक चतुर्वेदी खानदान को सबक ना सिखा दूं। सोचती हूँ आज ही लॉयर से मिल लूं, जाकर केस कर दूं। हाँ ललित कुमार शर्मा जी, जल्दबाजी में कोई कदम उठाना ठीक नहीं है। हमें हर हालत में टोस्टी की खुशी चाहिए। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं सोचता हूँ। आप ना जिंदगी भर सोचते रहे, अब तक तो मुझे लगता है आपने सोचने पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर लिया होगा। आपको जो कहना है आप कहिए, लेकिन मैं जल्दबाजी में कुछ नहीं कर। चल बेटिया। हाँ पापा, पापा दीदी को मैं बाय बोल के आती हूँ। दीदी दीदी बाथरूम। दीदी ओहो, 5 मिनट हुए नहीं है बाथरूम में घुसे कि तुम्हें भी अंदर आना है। आ रही हूँ तेज। सॉरी, मुझे लगा कि